तुम कैसे हो? आप सब, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, तुम्हारी आँखें थोड़ी सूजी हुई लग रही होगी क्योंकि अभी हो गई है मॉर्निंग, सुबह के 8 बज रहे हैं और मुझे जाना है कोर्ट, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मेरे एक्स के साथ मेरा केस चल रहा है। तो कोर्ट में मुझे साइन करने के लिए आज बुलाया है, तो वहाँ जाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे वहाँ पर। तो फाइनली हम टैक्सी में बैठ चुके हैं और जैसे आएगा ऐसे, अगर वहाँ पे शायद से शूटिंग होगी नहीं होगी पता नहीं, तो अगर शूटिंग होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और दुआ करो कि मेरा केस यहाँ पे अभी क्लोज हो जाए और मैं मेरे बच्चों को लेके अच्छे से न्यू लाइफ पूरी, ऐसा तो मैं न्यू ही लाइफ दे रही हूँ पर फिर भी जाकर आ चुकी हूँ। तो वकील ने मुझे ये फाइल दे दिए हैं, बोले अभी ये पूरा आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, आपने मुझे साइन करने का बोले थे, वहाँ पर साइन वगैरह हो गई है। अभी लेटर यहाँ से मेरे एक्स के यहाँ चला जाएगा, तो अभी उन लोग के वहाँ से कल रिप्लाई आएगा और ये पूरा बताते पेपर पूरा इस तरीके से प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। तभी मेरे बच्चे माशाल्लाह से मेरे पास रहेंगे हमेशा के लिए और मैं भी छुट्टी हो गई है ना मम्मा। ठीक है, तो मैं अभी पेपर दिखाती हूँ आपको। सब आधार कार्ड के फोटोज वगैरह है, इसके लिए ये अभी पे पेपर दिए हैं, तो पूरा ऐसा बना चुके हैं पेपर। तो पूरा उर्दू में कुछ खुला नामा का है ये। ड्राइवर्स का प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे नहीं, इसके लिए मैं खुला का प्रोसीजर भी चालू स्टार्ट हो चुका था मेरा इसके अंदर। तो अभी कल लेटर जाएगा उनको और बताते हैं कि यानी क्या बोलेंगे अभी, यानी जैसे खुला करते हैं या फिर डाइवोर्स देते हैं। तो खुला के अंदर ऐसा है कि उनको साइन करे नहीं करे चलेगा, यानी वो मेरे ऊपर रहेगा। ठीक है, और डाइवोर्स के अंदर उनकी साइन भी लगेगी और खुले के अंदर उनकी साइन कंपलसरी नहीं है। तो अभी लेटर उनको चला गया है कल, तो अभी कल तक रिजल्ट पता चल जाएगा इंशाल्लाह। लेटर गया है वो इस तरीके से गया है कि 2 वीक का उनको यानी टाइम दिया गया है कि 2 वीक के अंदर तुम आंसर दो डाइवोर्स अगर तुमको चाहिए तो अगर आप साइन करने के लिए रेडी हो। अगर वो रेडी नहीं होते हैं, 2 वीक के अंदर उनका कॉल वगैरह नहीं आता है, तो मेरा ऑटोमेटिक खुला फिर हो ही जाएगा, यानी जो मौलाना है यानी वो यानी साइन करके दे देगी मुझे खुला प्रोसीजर में और मेरा फिर खुला हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रोसीजर हो चुका है और इंशाल्लाह कल तक उनका पोस्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं, 2 वीक तक इंतज़ार करना पड़ेगा, इतने महीने इंतज़ार कर लिए तो फिर अभी 2 वीक तो आसानी है, अपने साल इंतज़ार हो चुका है, तो अभी 2 हफ्ता कौन सी बड़ी बात है। तो अभी 2 हफ्ता भी देख लेते हैं, पर मुझे तो नहीं लगता कि उनका कोई रिस्पॉन्स आएगा क्योंकि उनको ऐसा इंटरेस्ट है ही नहीं साइन वगैरह के अंदर कि मैं जो प्रॉपर्टी देना पड़ेगा ये देना पड़ेगा ऐसा कर सब वो है उनका दिमाग में। तो वैसे तो मुझे क्या करते हैं, मुझे एक्चुअली कोर्ट जाना नहीं था, मैं सीधा सीधा डायरेक्ट खुला का प्रोसीजर चल कर रही थी। बट बात ऐसी हुई ना, जब बात गए थे ना हम लोग बातचीत करने के लिए वहाँ पर, तो सीधा ऐसा बोलते तुमको जो करना है करो, हम लोग भी कोर्ट कचहरी से ही करेंगे। तो ठीक है, तुम कोर्ट कचहरी से, क्योंकि उनको बच्चे को देने के लिए पैसे है नहीं, कोर्ट कचहरी देने के लिए पैसे है, तो ठीक है, तो इसके लिए मैंने कोर्ट कचहरी से कर दी कि अभी तुम भी करो मैं भी कर लेती हूँ। तभी 2 हफ्ते में जवाब आ ही जाना चाहिए उनका, अगर नहीं आया तो खुला प्रोसीजर तो मेरा चालू ही है, तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर आपको बता 2 हफ्ते के बाद आपको बता दूंगी कि मेरा फाइनली डाइवोर्स हो चुका है कि नहीं। 2000 years later तो ऑलमोस्ट 15 डेज हो चुके हैं वहाँ पर पेपर पहुँच कर, बट उनका रिस्पॉन्स कुछ आया नहीं मेरे एक्स के यहाँ से, कि मेरे मदर इन लॉ का किसका भी। तो जो एडवोकेट थे वो लॉयर भी है और वो भी है मौलाना टाइप भी है यानी, तो उन्होंने बोला था कि यानी ठीक है अगर नहीं होता है तो मैं साइन करके दे दूँगा। तो उन्होंने खुले नामा पेपर पर साइन करके दे दिए, तो एक तरफा खुला हो चुका है मेरी तरफ से, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। तो बोले ठीक है आप इसके अंदर, बोले आप अगर चाहे तो आपके प्रूफ वगैरह के अंदर आप नेम चेंज करा सकते हो, अभी देखते हैं क्या होता है ना। हमें हाँ अभी खुला तो लेने का ही था, तो ले लिया ना, मगजमारी का ही कह लीजिए बस, कि लंबा लंबा करने से बेहतर कि हो जाए, तो वो भी अपना
टीचर बना सकती कुछ भी बच्चों को लेके, समझे? ऐसे पढ़े नहीं मतलब नहीं ना, दिन पर दिन दिन कम होते हैं, समझे? एक दिन अपने लिए कीमती है, जो जल्दी हो बेहतर हो हक हो बस। तो अभी यानी फाइनली हो गया माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, समझे? क्या करेंगे अभी, आप उन्हें जितना हो सका उतना करेगा, आगे भी अल्लाह की मर्जी है ना। अपन पोस्टर करके जो भी घर बार है जो भी करेंगे, हाँ, तो बाद में देखते हैं आगे। मेरी भी बहू बेटे है ना, सबका सोचना पड़ता ना मुझे, नहीं तो उन लोग का भी, अभी उन लोग की लाइफ ऐसा होने वो कि ननन के हिसाब से मेरी लाइफ भी खराब हो जाए, तो उनका भी अलग करेंगे इंशाल्लाह, जो जो अल्लाह करेंगे अभी बता नहीं सकते। थोड़ा हो जाएगा तो मैं खुद ही अलग सेपरेट होंगी, वो आप लोग को पता बोली थी मैंने पहले के वीडियो में, हाँ इंशाल्लाह। बट इंशाल्लाह देखोगे आगे भी, जैसे अभी फिलहाल तो ऐसा हो गया है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, क्योंकि आप लोग ने इतना सपोर्ट किए थे मुझे आगे बढ़ने के लिए कि इस तरीके से प्रोसीजर करो ये करो, तो उस हिसाब से यानी प्रोसीजर करती है और उसी हिसाब से खुला हो चुका है, तो फाइनली खुला मेरा हो चुका है। तो अभी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मैं ओपन कर दूँगी, ठीक है? तो अभी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग।